ఏం నా పేరు అజర్ హున్ ఇక్కడ ఏ ఊరు మీద మెదక్ టౌన్ మెదక్ టౌన్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారా రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి రాబోయే పది రోజుల్లో ఓటింగ్ ఉంది ఈ జనాలందరూ ఏమనుకున్నారు ఇక్కడ రోహిత్ రెడ్డా లేదా మళ్ళీ టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించుకుంటారా रोहित सीट कोसम मेदक में तो जीतने का चांसेस तो पूरा पदमा देवगी रेड्डी की जी हुई है क्योंकि मेदक में वो काम भी किया और जैसे कि अभी तेलंगाना में नहीं नहीं तिलंगाना तिलंगाना के नया नहीं तेलंगाना है तेलंगाना आके टेन ईयर्स ही हो रहा है टेन ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया दूसरे स्टेट में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसे कि हाईटेक सिटी है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ हैदराबाद जितना डेवलप हुआ टेन ईयर बिफोर क्या था हैदराबाद कुछ नहीं था टेन ईयर्स के अंदर ऐसे डेवलपमेंट होगा फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यही ही के का सरकार बनेगा और ज्यादा डेवलप आ जाएगा क्यों बोलते हैं एक कार नया नया कार है नया नया तेलंगाना है तो इसके हिसाब से वो ज़्यादा ज्यादा डेवलपमेंट कर अभी जैसे कांग्रेस आ जाएगी वो सत्तर साल पुरानी है एकदम वो अभी धक्का मार मार के चला रहे पूरे पार्टियाँ क्योंकि उसका एक सही वो नहीं है मिनिस्टर सही नहीं है अपने किस में

फिर भी तो पद्मा देव रेडी ही आएगी वो मेरे को पक्का पता है क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी है मार फिफ्टी फिफ्टी में से तो एक परसेंट भी इधर आ जाएगा तो पद्मा दिवंग्र रेडी आ जाएगा कैसा भी तो यही पद्मा दिवंग रेडी

इसार के शेयर गवर्नमेंट वो मुझे पता नहीं बाकी सीटला दबगुतई इसार अंध पॉइंट सारच नन्नी सीटली इसार राव तग्गी पोतई मेदक गोडा पद्मादेवेंद्र दौड़ी पोदने टाक नडसु वो तोने होगा नहीं। वो तोने होगा कंफर्म दौड़ी पोदा वो कंफर्म नहीं है कंफर्म नहीं हुआ कंफर्म बात में इंगरेडी जीतेगा ये इसमें तय है ये बात ओके थैंक यू